स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के टॉप पर खड़ी हुई है एक स्टैचू, एक मूर्ति, राइट। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, जो टॉप का है वो 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का एलिवेशन कितना होगा 45 डिग्री। हाइट ऑफ द पेडेस्टल आपको बताने कि पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी। ओके, सो फर्स्टली एक पेडेस्टल बनाएंगे क्योंकि जो स्टैचू है वो पेडेस्टल के ऊपर ही खड़ी हुई है। सो एक पेडेस्टल, दिस वन इज ए पेडेस्टल और इसके ऊपर एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, और इसकी हाइट हमें बतानी है। क्लियर? सो देखिए, इसने क्वेश्चन ने कहा है, क्या कहा क्वेश्चन ने, कि एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल जो कि पेडेस्टल के टॉप पर खड़ी हुई है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इस पेडेस्टल का टॉप का एंगल कितना है वो 45 डिग्री। सो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इसको एच लेट कर लिया, यही फाइंड करना है, इसको हम एक्स लेट कर लेंगे। क्लियर? लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी एच मीटर, हाइट जो है पेडेस्टल की वो कितनी है एच मीटर, एंड इन ट्राइंगल इसको नेम दे देंगे ए बी सी डी। क्लियर? तो फर्स्टली इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में कितना हो जाएगा, वही सेम है 10 45, कितना हो जाएगा एच अपॉन एक्स। ओके, सो 10 45 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर एच अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं, ये हो जाएगा एक्स इज्क्वल टू एच। ओके, तो एक्स की वैल्यू एच हो गई। अब इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, अब ए बी डी ट्राइंगल की बात करेंगे, इसमें 10 60 हो जाएगा, तो 10 60 कितना हो जाएगा हमारा एच प्लस 1.6 अपॉन एक्स, राइट। ये एच प्लस 1.6 अपॉन में एक्स हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एच 10 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3। ये एच प्लस 1.6 और एक्स की वैल्यू कितनी है एच, क्रॉस कर देंगे, सो एच रूट 3 इक्वल्स टू एच प्लस 1.6, सो एच रूट 3 माइनस एच इक्वल्स टू 1.6। क्लियर? एच कॉमन लेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। अब हमें एच फाइंड करना है, सो एच कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे हमें रूट में नहीं चाहिए होता है, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1.6 और ये अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन, ये 3 हो गया और ये माइनस 1 हो गया, दैट इज इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1.6 ऐसे ही आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 0.8। ओके, 0.8 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस 1 से कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और आप चाहो तो यहाँ पर अंडर रूट 3 की वैल्यू लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, 1.732 होता है और ये प्लस 1, सो 0.8 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2.732, राइट। इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं, लास्ट में आप क्या लिख देंगे, सो द हाइट ऑफ पेडेस्टल जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर?
चलिए बता देते हैं इसका आंसर, या सिंपली इतना भी आंसर कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, अदरवाइज यहाँ पर भी आंसर देख सकते हैं, बिकॉज जो आंसर शीट में है वो आपका आंसर यही मिलेगा। क्लियर, ये आंसर कर दीजिए या फिर इसकी मल्टीप्लाई करके कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके,